ठीक है, तो आप सेल्समैन पे ही जाओगे? सर सेल्समैन और आईलैंड जब जॉब किए दिल्ली में, अच्छा 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग में से तीनों में से कभी कोई बाहर गया है? बाहर नहीं, बट ये है कि इंडिया में रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस किया। अगर आपकी वीडियो ना देखा तो अगले महीने में टूरिस्ट वीजा पे दुबई जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मैं सजेशन दूंगा, मेरे सभी व्यूवर्स को भी दूंगा, टूरिस्ट पे ना जाएं, कोई भी एजेंट भेज रहा है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है, मैंने बहुत बंदे टूरिस्ट पे भेजे हैं, एक ही चीज होता है वहां पे, जाओगे 3 महीने का वीजा देंगे, जाओगे ऐसा टॉर्चर किया जाएगा। हालांकि बहुत स्मार्ट बंदे ही अपने आप से सेटल हो पाते हैं, अदरवाइज उनका स्कीम यही रहता है टूरिस्ट का, जाओगे काम आप जो होता है, बहुत लोग सेटल भी होते हैं, 50% केसेस में ये होता है जो मैं बता रहा हूं, कि आप जाओगे वहां पे काम जो होता है उसमें इतना टफ वर्क करवाया जाएगा आपसे, इतना हार्ड करवाया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि 3 महीने में वो जगह खाली करो आप खुद ही निकलो, मतलब उस जगह पे कोई और आएगा तो एजेंट का और फायदा होगा। तो विजिट में हर एक कंट्री में यही फंडा चालू है, तो विजिट पे कभी प्रोसीड नहीं, वो तो सिर्फ घूमने जाना, पापा ने वीजा देना था, वीजा देना था, तो वैसे सिर्फ घूम के आना था, एक महीना रह के आना था। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं सर, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी। हमारे लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, यहाँ आने के बाद अनुभव क्या है आपका, कोई भी इन तीनों में से बताना चाहेगा कि कैसा फील हो रहा है, या फिर कोई तकलीफ है, या फिर ये लग ही नहीं रहा ऑफिस है, या फिर घर है, क्या लग रहा है तुमको, क्या रियलाइजेशन है, थोड़ा बताएं, आप लाउड आवाज में बताएं, आप बताएं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सर का जो ऑफिस है वो घर के अंदर ही है, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ऑफिस है, ये ऑफिस है, अच्छा लग रहा है कि आपके सामने बैठ के पहले वीडियो। अच्छा, आप लोग इस बात पे कमेंट करना चाहेंगे कि लोग जो मेरे खिलाफ हैं उसके बारे में तो अभी आप कुछ नहीं समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो आप? दुनिया में वो कहते ना सच और झूठ दोनों चलते हैं एक साथ, अगर किसी का भला करो ना, आजकल लोग यही सोचते हैं कि इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। जैसे कि मेरे पापा ने बड़े लोगों का, मतलब मेरे रिश्तेदारी में थे, तो बंदे का फ्री वीजा लगवाया, जैसे आप कह रहे ना फ्री कुवैत का वीजा, जैसे फ्री वीजा लगवाया, सिर्फ टिकट के पैसे थे, टिकट के पैसे दिए तो वो बंदा बाहर चला गया, कम से कम मेरे पापा से 1.5 गुना ज्यादा सैलरी थी उस टाइम, आज से 15 साल पहले की बात है, लेकिन वो बंदा 2-3 महीने बाद वापस आ गया, कहता मेरा दिल नहीं लग रहा। अब लोगों को थोड़ा ना कहेगा मेरा दिल नहीं लग रहा, वहां पे आप वापस आके कह रहा है कि मुझे काम ये मिला, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन वहां वाले लोगों को पता वो कितने ऐश में रह रहा था, और बिना बताया वापिस आ रहा, आज तक घर वालों को कभी नहीं बुलाया उसने। मतलब लोग अपनी गलती कभी नहीं निकालते, वो दूसरे की निकालते, कहते उंगली कभी भी कोई अपनी तरफ नहीं उठाता, लोगों की तरफ उठाता है। शिवम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक? मैं सर क्या बोलूं, मुझे आपसे मिलके ही बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया सर, मुझे भी शुक्रिया। आपको ट्रस्ट हो रहा है, आपका भरोसा में जीत पा, बिना किए ऐसे आ गया सर बहुत कुछ, क्योंकि मैं किसी और एजेंट के थ्रू नहीं जाने वाला था, मेरे पास बहुत है सऊदी दुबई भेजने वाले, लेकिन मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि 2-3 लोगों को चीट कर चुके हैं, और किसी पे भरोसा रह नहीं गया, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग ठगने ही वाले हैं, कोई सही नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा आपसे एक बार बात करूं, और आपसे मिलने के लिए मैं टीसीएस में जॉब करता हूं, आज एग्जाम है, मैं फिर भी छुट्टी लेकर आया हूं, आज मेरे वहां कोई दूसरा टैगिंग है, अभी आपके वहां 27-28 को यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो हाफिजपुर में टैग था, एसबीएस में गुरियल इंटर कॉलेज, जी जी जी, मैं खाली नहीं रहता, आज छुट्टी मिला, वो भी किसी तरीके से, इस महीने मेरी मुझे कोई लीव नहीं मिलना था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर किसी तरीके से आया हूं। मैंने इतना देखा कि आपका ट्रस्ट बाहर, मतलब कि इंडिया में बहुत है, मेरे फ्रेंड को कहा, मैंने कहा मैंने ऐसे पैसे पे कर दिए हैं, तो कहता बधाई हो भेजेगी, मैंने कहा अभी तो आया नहीं, कहता जहाँ पे लगवाया ना, कहता लग जाएगा टेंशन। कौन है? है गुरजीत सिंह नाम है उसका, देखा है उसने? मतलब वीडियो में बहुत सारे फॉलोवर वो भी है, उसने मुझे मतलब कि सब्सक्राइब कराया था आपका। अच्छा अच्छा, जो सही सही जगह है, मैं बता दूं मेरे व्यूवर्स को, सभी लोग को, आप यहाँ पे आते हो ये बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, अगर आपका पैसा डूबेगा, हाँ डूबेगा, रीजन उसका रीजन आपको वीडियो में मिल जाएगा, आपके फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया, आप नहीं जाना चाहते हो, वीजा आ गया, टिकट आ गया है, उसमें जैसे हर एक कंट्री के बारे में टर्म एंड कंडीशन बताई है, उसी के हिसाब से, ये टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट होंगे, अदरवाइज आप देख लें कि अगर किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आज से 3 साल से हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, 100 अबाव बंदे ऐसे हैं जिनको 30 लाख रुपए हमने लोगों को रिफंड किया है, ये छोटा अमाउंट नहीं है और बहुत बड़ा भी अमाउंट नहीं है, लेकिन एक इमेज बनाने के लिए काफी अच्छा अमाउंट है। जो लोग हमारे खिलाफ हैं उनको भी मेरा सहयोग है कि भाई यार दुबई वाली जॉब इतनी बढ़िया है, आप आओ, 30-40% चार्जेस आप पे करो, क्योंकि मेरे वजह से आपको लगता है कि नुकसान हुआ है, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बाकी 60-70% अमाउंट आप लोगों का मैं
पे करूंगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं किसी कंट्री में गए थे, उसके वजह से नुकसान झेलना पड़ा है आप लोगों को, तो उसकी भरपाई मैं भी कर, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं ना कहीं आपका भी उसमें दोस्त है, आप जानते हो, और मेरे बुलाने के बावजूद भी आप मेरे ऑफिस में मिलने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलत हो। आप अगर सही हो या गलत हो या 100% आप गलत हो, आपने मुझे उल्टा सीधा बोला है या कोई भी कांड किया है, मैं हर चीज एक्सेप्ट करके अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार हूं। आप मेरे ऑफिस में आओ, 30-40% जो भी 1.5 लाख का सर्विस चार्ज है उसमें 30-40% अमाउंट आप अफोर्ड करो, बाकी 60-70% अमाउंट मैं आप लोगों का पे करके आपको जॉब लगाऊंगा, और आप वहां से खुद वीडियो बना के हमें भेजेंगे और बताएंगे कि हाँ आपकी लाइफ सेटल है कि नहीं है। सो मेरे हेटर्स को मैं इतना सहयोग कर सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग अपना ऑप्शन खुद चुन सकते हैं, कानून है, सिस्टम है, हर तरह का प्रोग्राम है हमारे भारत में, आप उसके हिसाब से हमारे अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं बिंदास करिए, क्योंकि मैं अगर जेन्युइन हूं तो मैं अपने लेवल पे यहाँ पे बैठा हूँ, अदरवाइज आप लोग बताएं, अगर मैं गलत होता तो लॉन्ग टाइम तो स्टे नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, और मेरा घर है ये तो मैं अपने घर में गलत करने का कभी कोई नहीं सोचेगा, जहां आपके दादा परदादा जन्म लिए हैं, सामने गांव है, ये घर अभी लैंड करीबन 4-5 साल हो गया मुझे यहाँ ये बाय करके, और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी भी बनी रहा है, 4-5 साल से हम यहाँ पे स्टे भी कर रहे हैं, और इसको हम ऐसे ही जाए तो थोड़ी ये बेच के भागना थोड़ी ना हमें, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, इसी इंटेंशन से हम यहाँ पे हैं, और घर में अपने जब काम कर रहे हैं, और बहुत सारी वीडियो आप देखोगे, यस्टरडे की वीडियो देखोगे, मैं घर का आता पता सारी चीजें बता रहा हूँ, फूल बगीचा अपने गांव का सब शो कर रहा हूँ, तो वो सब इंटेंशन क्या होता है यार, बंदा एक सर जमीन पे रह के काम करना चाहता है, भागने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हम आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया है 100% में से 10% आपके हेटर्स निकल के आएंगे, सही है ना, तो उसमें अपने को कुछ नहीं लेना देना, अब हम 90% को छोड़ के मैं 10% हेटर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उसको अवॉइड करते हुए जो हमारे सहयोगी हमारे टीम पार्टनर है उनको सहयोग किया जाए, ये बेस्ट आइडिया है। सो गाइज मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं, आप लोग वीजा कंफर्म मिलेगा जी, बिल्कुल 100% मिलेगा, 45 डेज बोला गया, प्लीज अभी रुकिए क्योंकि 10 दिन के बाद ही आप लोगों की फाइल में आगे लगाऊंगा, तो 45 डेज का काउंटडाउन में वीडियो बोलूंगा, वीडियो में बताऊंगा कब से आपका काउंटडाउन शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी भी फाइल हमने होल्ड पे रखी है, क्योंकि हमें बोला गया सर एक साथ आपकी जितनी फाइल आती है उतनी लगा दो, एक लगाओ दो लगाओ चार लगाओ, तो वो लोग भी प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें, जितनी फाइल आ जाए एक साथ हम लगा दें, तकरीबन हमारे ऑफिस से मैं बता दूं इस जॉब के लिए 250-300 लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, 250-300 बंदे आगे इस प्रोसीड कर रहे हैं, और उन बंदों के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, कुवैत अभी गया हमारा, उनमें भी बल्क में बंदे जा रहे हैं, तकरीबन 100+ बंदे कतर अभी जा रहे हैं, उसमें भी बल्क में बंदे जा रहे हैं, उन सभी लोगों का वीडियो अब पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा जमीर जाग चुका है इसमें कि भैया जो जा रहे हैं उनका फीडबैक यही लेना जरूरी है, क्योंकि जाने के बाद वो एजेंट कौन भेजा था उसको भुला जा रहे हैं लोग, रिफंड पाने के बाद लोग मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100 का काम अच्छा करो एक का बुरा हो रहा है, वो दुनिया को उठा बैठा है कि भैया ये गलत है गलत है गलत है, उसके वजह से 100 लोग और निगेटिव पॉइंट में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों का सहयोग से ही होगा, आप वादा करेंगे मुझसे कि अगर मैं आप लोगों को सही ढंग से लगा देता हूं, आप मुझे सहयोग इस रूप में करोगे कि आप हर वीक मुझे वीडियो भेजोगे, बिल्कुल आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर एवरग्रीन है, 3 नंबर है, किसी भी नंबर पे आप अपना सहयोग डालें, और जब वीडियो बनाएं तो उसमें मेरा नाम यूज करना ना भूलें, क्योंकि नाम यूज नहीं करेंगे लोग बोलेंगे कोई भी वीडियो उठा के डाल दे रहे हैं पासी सर, ठीक है, तो आप चैनल के बारे में कुछ बोलें, सहयोग कैसे करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर, बोलो बोलो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, थैंक यू सो मच गाइस, कीप सब्सक्राइब अस एंड सपोर्टिंग अस, बाय बाय बोल दो, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।